द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड लीगल मेट्रोलॉजी ने अभी तक लगभग 448 नोटिसेस बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज को भेज दी हैं, जिसमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीसो का भी नाम शामिल है। और लगभग अगर बात करें तो अक्टूबर 2020 से और अभी तक इनसे लगभग 78 लाख रुपए अप्रॉक्स की पेनाल्टी भी वसूली जा चुकी है। इसका मतलब ये मैटर बहुत सीरियस बन चुका है। मीसो को तो हाल में ही नोटिस जारी की गई थी। अमेजन इंडिया सबसे फर्स्ट था जिसको कंप्लायंस की नोटिस या वायलेशन की नोटिस डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से भेज दी गई थी। इन पे पेनाल्टी भी लगाई जा रही थी। रीजन क्या है एक्चुअली कि इस समय जब से इंडिया चाइना का मैटर चल रहा है तब से ई कॉमर्स पॉलिसी में काफ़ी बदलाव हुए हैं। वैसे भी ई कॉमर्स में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं इनकी पॉलिसीज में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें सेलर्स की डिटेल या मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट या मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सबकी सब मैंडेटरी कर दी हैं। ई कॉमर्स कंपनीज को ये फॉलो ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पेनल्टीज लगाई जा रही हैं या जो नोटिसेस भेजी जा रही हैं वायलेशंस की, ये भेजी तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीसो या जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज या ग्रुप काम कर रहे हैं इंडिया में उनको भेजी जा रही हैं, लेकिन एक्चुअली जो आप सेलर्स हैं जो बेच रहे हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे या मीसो पे, अब प्रॉब्लम उनको होने वाली है। इसीलिए अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं, ई कॉमर्स सेलिंग करते हैं या करने का मन बना रहे हैं, तो बिल्कुल ईमानदार हो जाइए, ऑनेस्ट हो जाइए, और जो MRP आप किसी प्रोडक्ट की डिक्लेयर कर रहे हैं वो लिस्टिंग्स में भी वही लिखें, और जो आप बारकोड या स्टिकरिंग करते हैं स्टिकर में भी वही MRP होनी चाहिए। कई लोग लिस्टिंग में कुछ और MRP लिखते हैं, जो स्टिकर लगाते हैं उसमें कुछ और MRP होती है। साथ में जो आप लिस्टिंग्स कर रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे, आप बिल्कुल ना घबराएं। वहां पे आप अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, आपकी वेबसाइट क्या है, आपके कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरर की सारी इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको देना अनिवार्य है। पहले अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये ऑप्शन आपको नहीं देते थे, छुपाते थे, क्योंकि उनको डर था कि जब कोई भी सेलर अपना कॉन्टैक्ट नंबर या वेबसाइट या अपना जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो लिख देगा लिस्टिंग में, तो बहुत सारे कस्टमर जो चालाक हैं वो सीधा फ़ोन कर लेंगे उनको या कॉन्टैक्ट कर लेंगे और वहाँ से ऑर्डर मंगवा लेंगे, उनको सस्ता पड़ेगा, तो लोग डरते थे। लेकिन जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है कि नहीं, आपको सेलर की इन्फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन आपको अपने वेब पेज पे या वेबसाइट पे दिखानी ही दिखानी है किसी भी प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, तब से आपका जो ये पॉलिसी है चेंज हो गया है। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीसो ना चाहते हुए भी कह सकते हैं उनको सेलर्स की डिटेल, उनकी इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट सब कुछ दिखानी पड़ती है लिस्टिंग्स पे। बहुत सारे सेलर्स तो ऐसे हैं जो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज गेन करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपका ब्रांड अच्छा है, आपकी कंपनी अच्छी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो बहुत सारे कस्टमर्स जो आपसे फ्रिक्वेंट परचेजिंग करते हैं वो जरूर आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे और वो आपसे बात भी कर सकते हैं, जिसका फायदा आपको मिलने वाला है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो इंडियन गवर्नमेंट का मैंडेट है कि भैया आपको लिखना ही लिखना है। जो आप लोग कहते हैं कि नहीं पॉलिसी वायलेशन में है, हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर या डिटेल नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा मार्केट प्लेसेस पे पेनल्टी लगा दी जा रही है। और अगर आप अभी भी चीटिंग कर रहे हैं, सही MRP डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, या कंट्री ऑफ ओरिजिन में अगर चाइनीज प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं और कंट्री ऑफ ओरिजिन में आप इंडिया लिख दे रहे हैं, या कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन सही नहीं दे पा रहे हैं आप, तो ये सारी चीजें ये आपको भी पेनल्टी लगवा सकती हैं, आपका अकाउंट भी सस्पेंड करवा सकती हैं, आपको पॉलिसी वायलेशन की नोटिस मिल सकती है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो से। क्योंकि जब इन पे पेनल्टी लग रही है, इनको नोटिस मिल रही है, तो आपको भी ये नोटिस दे सकते हैं। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है वो ये कहता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो से कि जितने सेलर आपके यहाँ पे सेल कर रहे हैं
आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको कंप्लायंस फॉलो कराएं, आप उनको पॉलिसी को फॉलो कराएं। तो आपको सावधान हो जाना है, अब आपको बहुत सीरियसली अपनी MRP, अपना इंफॉर्मेशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट लिखनी है। और जो भी लिखनी है आपको, जो बारकोड आप निकालते हैं, जो भी स्टिकरिंग करते हैं, वही इंफॉर्मेशन ऑनलाइन उस लिस्टिंग्स में भी आपको लिखनी है, अदरवाइज आपको आगे पॉलिसी वार्निंग की नोटिस देखने को मिल सकती है। और साथ में अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन में चाइना लिखना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप ये बात छुपाते हैं और चाइना की जगह कुछ और लिखते हैं तो फिर आपको और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए सावधान हो जाइए। लगभग 78 लाख रुपए अप्रॉक्स की पेनल्टी वसूली जा चुकी है, इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट सीरियस है इस चीज को लेकर के, इसीलिए लगातार ई कॉमर्स कंपनीज पे लगाम कसी जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।